हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल विद द रोहन कैट व्लॉग्स। तो सो गाइस, आज का अपना टॉपिक है फेस मार्क्स, चारकोल फेस मार्क्स। तो इसको अपन को अपनी स्किन पे अप्लाई कैसे करना, तो आपको सबसे पहले मेरी एक मेन बात बता दो, आपको सही लगे तो ठीक है। आप कभी भी यूज़ करते हो, आप कभी भी कोई सी भी फेस पे से रिलेटिव चीज़ करते हो यूज, तो उसको कंपनी का यूज़ करो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई को रिएक्शन हो, मैं भी एक कड़क फैसला लेके, यानी कि मैं भी मजबूरी, मतलब मेरे को ये वीडियो जल्द से जल्द बनाना था, इसलिए मैं किसी भी चीज़ पे, मेरे पास मेरे घर पे मेरे फ्रेंड से लिया है, मैंने ये चारकोल फेस मास्क। इसका मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये मेड इन चाइना है। तो गाइस, इसको कैसे अप्लाई करना, अपनी स्किन पे कैसे यूज़ करना है। एक तो इससे होता है अपनी जो बारीक बारीक जो बाल वगैरह है, जो अपने फेस पे बाल दिखते हैं वो से निकल जाते हैं, और जो अपने पिंपल्स वगैरह के जो वो जो ऑयल रहता है, ऑयल साफ हो जाता है, और अपनी स्किन पे जो धूल मिट्टी रहती है वो साफ हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा पैक है, इसका बॉक्स भी दिखा देता हूँ मैं, बॉक्स में डाल के। ये कुछ ऐसा पैक है, ये चाइना का है, इसलिए मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मैं बता दूँ एक तरीके से। ये कुछ ऐसा पैक है, इसको अपन यूज़ करेंगे अपने फेस पे। निकल जा। तो गाइस देख लो, मैंने इतना ले चुका हूँ, इसको मैं अप्लाई करूँगा। और एक बात और भाई, आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो अपने हेयर को, आपके अगर हेयर बड़े हो तो अच्छी बात है, हेयर को आप रबर बैंड या फिर हेयर बैंड से पीछे कर लेना, तब लोग हेयर पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हेयर से उसको दूर रखना। और सबसे मेन टॉपिक सबके ये आईब्रो है, इसको भी अपनों को टच नहीं होने देना। तो मैं यूज अप्लाई कर रहा हूँ अपनी स्किन पे। तो ये मैंने मेरे फेस पे अप्लाई कर चुका हूँ मैं। और आपको एक और मेन बता दूँ, जब मैं शॉप पे से आया था तो मेरे उसमें ऑयल वगैरह धूल मट्टी डस्ट काफ़ी सारा मेरे फेस पे जमा था। तो देखता हूँ इसके बाद आप क्या होता है मेरे फेस का। तो ये मैंने मेरे फेस पे अप्लाई कर दिया है, और ये इससे मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ। तो गाइस, मैं कभी भी आपको बोलूँगा कि आप कभी भी स्किन पे यूज़ करते हो हेयर वैक्स, हेयर सीरम, हेयर वैक्स, हेयर सीरम, जो भी हेयर स्किन से जो अटैच वगैरह, आप कपड़े वगैरह चाइना के पहनना तो पहन सकते हो, बट आप स्किन से कभी मजाक मत करना, उसकी जानकारी लेना। अगर वो चाइना का प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो आप तो उसकी जानकारी लेना, फिर अपनी चीज़ पर अपनी स्किन पे अप्लाई करना। देखता हूँ उसको, इसके बाद मुझे क्या रिजल्ट्स मिलता है। सो गाइस, इसको मुझे लगाया हुआ 10 मिनट्स तो सूखे, बट ये अभी भी नहीं सूखा है। तो गाइस, तुम्हारा ब्रदर कभी भी स्किन से मजाक नहीं करता है, बट पहली बार कर रहा है क्योंकि उसको वीडियो बनाना था अर्जेंटली। तो जाओ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करो कि तुम्हारा जो दूसरे और अपने भाइयों को पता चल जाए, अपनी फैमिली बड़े से बड़ी बन पाए। मुझे पता है अभी मेरी फैमिली में ज़्यादा 10 पीपल्स भी कलेक्ट नहीं हुए, मतलब 10 मेंबर्स भी कलेक्ट नहीं हुए। तो गाइस जाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम्हारा भाई हूँ यार छोटा, तो प्लीज़ हेल्प करो, सब्सक्राइब शेयर। तो गाइस, मुझे लगता है कि लगभग सूख गया है, इधर इधर कर ही गया, मैंने शायद एक तरफ ज़्यादा, बट भाई आप जब भी यूज़ करो तो सब जगह बराबरी लगाना है, मैंने शायद एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम लगा लिया, इसलिए तो मैं धीरे धीरे निकालता हूँ उधर के साइड से नीचे से।
वॉश तो मैं कंपनी का यूज़ करता हूँ हिमालया, ये मैं निम फेस वॉश यूज़ करता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम लिया लेमन फेस वॉश, लेमन ये ऑयल क्लियर था इसलिए मैंने ये लिया है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको इस टाइम मैं नीम फेस वॉश ही यूज़ करता हूँ वैसे, बट मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा था ये भी, तो ये भी परचेस कर सकता हूँ मैं। तो सो ये यूज़ कर रहा हूँ मैं जब तक फेस को वॉश करके आता हूँ। सो गाइस, तो ये मैंने निकाल लिया, मतलब मैंने वॉश भी कर लिया मेरा फेस, तो ये मेरा फेस तो ब्राइट हो गया मुझे लग रहा है, बट मैं समझ गया ये चारकोल से क्या होता है, तो ये अच्छा यूज़फुल तरीका है, आप भी यूज़ कर सकते हो चारकोल से। तो देख लो मेरा फेस मतलब शाइन मार रहा है, क्योंकि जो मेरे उसमें धूल मट्टी डस्ट वगैरह थी वो सब निकल गए, इसके कारण मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेयर भी मुझे धोना है। तो गाइस ये वीडियो यहीं रोकता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।